वैश्य नंबर 9। द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज विल अमाउंट टू 155। ठीक है, ये जो सीरीज है इसका कितना नंबर टर्म 155 है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं टी ऑफ एन, हम लोग मान लेते हैं कि टी ऑफ एन जो है वो 155 है। और टी ऑफ एन का मतलब देखो, लास्ट दिन हम लोग फॉर्मूले में क्या क्या सीखा था, मैंने फॉर्मूला एक जगह पे लिखवाया भी था तुम लोग को लाइन बाय लाइन। ये देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये दूसरा वाला पीडीएफ आ गया, कोई बात नहीं, ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस एन आशा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, पता नहीं वाईफाई में भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। 10 + 9 and 2/3 + 9 and 1/3 + 9 + ... तो यहां से डी निकालते हैं, डी का मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, देखते हैं कितना आता है। 9 × 3 = 27 + 2 = 29/3 - 10 29 - 30 मतलब -1/3। ठीक है, डी -1/3 आ गया। ए तो पहला टर्म है यानी कि 10, एन नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है कि कितना ना देखो अब आ रहा है मेरा आवाज। यस मैम, यस मैम। पता नहीं आज मतलब नेटवर्क इश्यूज है मुझे लग रहा है, क्योंकि वाईफाई में भी खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जा रहा है कुछ देर। भी ऐसे ही चलेगा तो फिर जितना हो पाएगा, एक सेकेंड रुको, तो हम सर से भी पूछते, सर क्लास ले रहे हैं, सर का भी सेम इश्यूज हो रहा है। एक सेकेंड जोर जोर हां बोलो। ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে ওর জন্য আমার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে দুবার। হ্যাঁ আমার তো এখানে যাচ্ছিল কিন্তু এখন তো যাচ্ছে না, কিন্তু কেন হচ্ছে আমি এটাই বুঝতে পারছি না। এখন তো ইলেকট্রিসিটিটা যাচ্ছে না, তবু কেন হচ্ছে? এক সেকেন্ড দাঁড়াও। मैम हमारे यहाँ भी सेम ही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बिल्कुल मॉनिटर से करना पड़ रहा है। আমি তো বারবার খালি রেকর্ডিংটা অন আর অফ অন আর অফ করছি, এখন আমার রেকর্ডিং অনই আছে, ক্লাস শুরু করেছে কিন্তু বারবার দেখছি অন অফ অন অফ অন অফ। হ্যাঁ ইলেকট্রিক তো ফ্লাকচুয়েট, কিন্তু এখন তো করছিল না তারপরেও হচ্ছে, আর বারবার চলে যাচ্ছে সাউন্ড আর এগুলো, মানে পুরোই ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, পুরো ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে দেখি, দেখো यहाँ पर D कैलकुलेट कर लिया, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। N माइनस वन और यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस वन बाई थ्री, 155, ये 10 को इधर लेके आ जाते हैं।
तो ये मल्टीप्लाई करो माइनस एन बाई थ्री हो जाएगा, ये देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब एन इंटू वन थर्ड, मतलब एन बाई थ्री माइनस है, माइनस लिख दिया, माइनस माइनस में प्लस वन बाई थ्री, और ये 145 हो जाएगा माइनस करने से, तो माइनस एन बाई थ्री इक्वल टू 145 माइनस वन बाई थ्री, चेक करते कितना होता है, 3, 145 into 3, 435 minus 1, 434. तो दोनों साइड 3 है तो 3 को हटा देते हैं, 434, तो n का वैल्यू आ जाएगा माइनस 434. ये कैसे पॉसिबल है, रुको रुको एक सेकेंड. Tn बोला है 155, will amount to 155, number of term of the series. Tn 9 by 2 third, एक बार देखो तुम लोग भी कुछ गलत हो गया क्या, बार बार इधर उधर हो रहा है तो गलत हो जा रहा है. यहाँ पर d कितना आएगा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 27 और 2, 29 by 3, माइनस 30, तो 29 माइनस 30, माइनस 1 by 3, अच्छा. अब यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 155, ठीक है. अब a है 10, n माइनस वन, ये वन थर्ड, ये 155, ये इधर लेके जाने पे 145 हो जाएगा, माइनस n बाई थ्री, और ये माइनस माइनस में प्लस 1 बाई थ्री, ये इधर आने से 145 इंटू थ्री, 145 इंटू थ्री, 435 माइनस 1, 434 आ रहा है, माइनस n ही आ रहा है. तो ये एपी तो है ना, चेक करते हैं एपी में है कि नहीं, माइनस वन थर्ड, नाइन एंड टू बाई थ्री, और ये कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म हम लोग का निकलना चाहिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके, अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो ही ये एपी में है. चेक करते हैं यहाँ पर, ए है 10, एन है हम लोग का 3 माइनस 1, और डी है माइनस वन थर्ड, चेक करते हैं, 10 प्लस 2 इंटू माइनस 1 बाई 3, तो 10 माइनस 2 बाई 3, तो 30 माइनस 2, मतलब 28 बाई 3, हाँ 28 बाई 3 सेम तो आ रहा है, ठीक है. ये एपी में ही है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 प्लस 9 एंड 2 थर्ड, 9 एंड 1 थर्ड, 9 विल अमाउंट टू 155. अच्छा अमाउंट, इसका दूसरा वाला होगा फॉर्मूला. हाँ हाँ अमाउंट बोला है ना, ये नहीं बोला है कि कौन सा टर्म, द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज, इसमें इस सीरीज में कितने सारे टर्म है जिसका अमाउंट निकल के आएगा, अमाउंट का मतलब क्या होना चाहिए, अमाउंट का मतलब प्लस करने का बात हो रहा है, हाँ सम, इसीलिए अमाउंट का मतलब प्लस करने का बात हो रहा है, एस ऑफ एन 155 होगा, अमाउंट बोला है टर्म नहीं बोला है, ठीक है. ये ठीक है, डी वी तो हमें चाहिए, कोई बात नहीं, इसको डी रख लेते हैं, अमाउंट बोला है, तो अमाउंट मतलब वैल्यू यानी कि टोटल, ठीक है. तो यहाँ पर एस ऑफ एन निकालेंगे, एस ऑफ एन का क्या फॉर्मूला था, एस ऑफ एन का फॉर्मूला था एन बाई टू इंटू ए. अब देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, इसमें इस पीडीएफ में है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, ये देखो दो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, यहाँ पर हम लोग का कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा, एन बाई टू, ये टू ए वाला चाहिए होगा, ये देखो ये ए प्लस एल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. ये एक फॉर्मूला था और एक ऐसा था n बाई टू इंटू ए प्लस एल, लेकिन लास्ट टर्म तो इसका नहीं है, डॉट डॉट दिया है ना, तो इसीलिए इससे नहीं निकाल पाएंगे, इससे निकाल लेते हैं. देखो तो एस ऑफ n हो गया n बाई टू, एन का मतलब नहीं पता कितने सारे टर्म है, अच्छा 2a, ये 155 पता है, ठीक है, 2a का मतलब है हम लोग का 10, और n नहीं पता, और d का मतलब है माइनस वन थर्ड, ठीक है. अमाउंट टू बोला था, अमाउंट में ध्यान देना चाहिए था मुझे, अमाउंट टू बोला था, तो इसका मतलब टोटल का बात कर रहा है, n बाई टू, 20 माइनस n बाई थ्री प्लस 1 बाई थ्री, चेक करते हैं कितना आएगा इसको सॉल्व करने से. यहाँ पर 155, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते, 155 इंटू 2, 310 हो गए, ठीक है. ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 310, ये n बच रहा है, तो n 20 माइनस n बाई 3 प्लस 1 बाई 3, अब चेक करते कितना होगा, 310, ये हो गया 20n माइनस n स्क्वायर बाई 3 प्लस n बाई 3, अच्छा.
अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 310 यहाँ पर ये 3 कॉमन ले लेते, मतलब 3 का एलसीएम कर लेते हैं, तो ये हो गया 60n माइनस n स्क्वायर प्लस n. अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60n, और ये n है 60n प्लस n, मतलब 61n माइनस n स्क्वायर. अच्छा, अब हम लोग ना इसको पूरा कैलकुलेट, मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे क्या अगर n का वैल्यू, n ही तो हमें यहाँ आंसर में दिया है, n अगर 30 होगा क्या ये सेटिस्फाई करता है. पहले हम लोग ऑप्शन ए से चेक करेंगे 30, तो चेक करते हैं 61 इंटू 30 कितना होगा. 61 इंटू 30, तो ये हो गया 1830, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, तो ये हो गया 930. हाँ, इसमें आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए. मतलब ये देखो, मैंने ये n का वैल्यू है ना, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि 30 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद है none of these, d है none of these. अगर हम लोग a से चेक करते हैं 30, तो इस पे 30 अप्लाई करके देखो 930 आ रहा है. क्या 31 से भी आएगा, चेक करके देखते हैं. ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी एक से ही आना चाहिए. तो 1891 और माइनस 900, तो 991 आ रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा है. इसका मतलब आंसर क्या होगा, एक ही आंसर होना चाहिए ना, ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि ये 30 से मैच हो रहा है. तो हम लोग को पूरा इसे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब पूरा चेक का मतलब हम ये बोल रहे हैं, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का कोई जरूरत नहीं है कि इसको फिर से सॉल्व करो. अगर हम लोग ऑप्शन पुट करके देखते, जिससे आंसर आ जाएगा उसी से कर सकते हो. अगर चाहो तो यहाँ भी ऑप्शन पुट करके देख सकते थे पूरा. अगर नहीं करते ये सारी चीजों को लिखने के बाद, यहाँ पर इनका वैल्यू पुट करके देखना चाहिए था किसमें 55 आ रहा है, तो देख सकते हो 30 में ही आता. ठीक है, अगर यहाँ भी पुट कर लेते ना सारे डेटा को के बाद, तो 30 में ही आता. तो अगर ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने से आंसर आ सकता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ. चलो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर बोला है द एंथ टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज का एंथ टर्म. अब देखो क्लियरली बता दिया, एंथ टर्म का मतलब टी ऑफ एन का बात हो रहा है. Whose sum to n term is 5n square plus 2n. बोल रहा है एक सीरीज जिसका nth number term कितना होगा, जिसका sum अगर nth number term तक करते हैं, मतलब end तक अगर करते हैं, तो वो 5n square plus 2n होता है. तो ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन मिला था, वो किए थे. देखो यहाँ पर हम लोग को गिवन क्या है, बोल रहा है s of n है 5n square plus 2n. कैसे पता चला ये s of n है, देखो यहाँ पर बोला है sum to n, sum clearly बता दिया है. ठीक है, sum जो है अगर n term तक sum करेंगे तो sum इतना निकल के आ रहा है, तो ये s of n है nth term तक का sum. ठीक है, अच्छा अब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं s of 1 कितना होगा, अगर n का value 1 हो गया तो s of 1 ऐसे ही हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया 5 plus 2 यानी कि 7. अगर हम लोग s of 2 निकालते हैं तो कितना होगा, ये देखो. अब s of 2 क्यों निकाल रहे हैं हम, वो भी समझाते हैं. पहले s of 2 निकाल के देखते हैं कितना आता है, फिर हम बताते हैं क्यों ऐसा निकाल रहे हैं. तो ये हो गया 4 into 5 20 plus 4 यानी कि 24 हो गया. अच्छा अब देखो एक एग्जाम्पल से समझाते, ये इतना तक रहने दो, हम पहले एक एग्जाम्पल लेते इस क्वेश्चन को समझाने के लिए. सपोज हम लोग के पास कुछ ऐसा डेटा है 1 2 3 4, एक सिंपल सा सीरीज लेके हम कर रहे हैं. ठीक है, ये मेरा T1 या फिर A है, ये T2, ये T3 और ये T4. अगर मुझे बोले कि ये पूरे सीरीज का टोटल निकालो, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, S of n का मतलब T of A1, T of 2 plus T of 3 plus T of 4. मतलब ये n के जगह हम लोग आराम से इसे 4 लिख सकते हैं, S of 4. ठीक है, अच्छा अब S of 4 कितना हो जाएगा, T1 1 है, फिर ये देखो 2, 3 और 4 टोटल करने से आ जाएगा 2 plus 1 3 3 3 6 plus 4 10. ठीक है, ये आ गया. अच्छा अब देखो यहाँ पर ये s of 4 निकल गया. अब अगर मुझे बोला जाए s of 1 कितना होगा, s of 1 मतलब sum of first term. ठीक है, तो first term मतलब सिर्फ 1. ठीक है, अगर मुझे कोई बोले s of 2 निकालो, इसका मतलब t1 plus t2 करने के लिए बोल रहा है. जैसे s1 का मतलब क्या है, पहले term का sum, तो t1 का value हमारे पास given है 1 है. ठीक है, s of 2 का मतलब दो टर्म तक का सम, मतलब 1 plus 2. ये देखो दो टर्म, T1 T2, मतलब 3 हो गया. S3 अगर कोई बोलेगा तो T1 T2 और T3 ऐसे निकालेंगे. अब यहां पर हमारे पास गिवन है 1 2 3, मतलब ये कितना हो गया 6.
ठीक है, एस थ्री। अगर कोई बोलेगा एस फोर कैलकुलेट करने के लिए, तो उसका मतलब क्या होता है, टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर, ठीक है, मतलब सम करना है हमें फोर टर्म तक, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, यानी ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये 10 आ गया, यानी एस फोर 10 हो गया। अच्छा, अब इससे देखो एक पॉइंट समझ में आएगा, यहाँ पर अगर हमें बोला जाए कि कोई भी टर्म निकालो, जैसे ये जो डिटेल्स है, इससे अगर हमें बोला जाए कि T4 टर्म कितना होगा, जो कि लास्ट टर्म है, T4 टर्म का वैल्यू बताओ। मान लो हम लोग को ऐसे दिया हुआ है कि S1 1 होगा, S2 3 होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर भी निकाल पा रहे थे, S1 कितना होगा, S2 कितना होगा, और हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था, बोला nth टर्म बता दो, मतलब हम लोग को बोला है टी एन इक्वल टू कितना, ठीक है। अब टी एन मतलब ये मान, यहाँ पर अगर पूछे टी फोर बता दो, तो हम लोग टी फोर कैसे निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन है। देखो हम लोग T4 कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पर हम लोगों के पास T4 का कैसे कैलकुलेशन होता है, A plus N minus 1 into D करके, ठीक है, T4 कैसे निकालेंगे, A plus N minus 1 into D, A A ही रहेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 minus 1 into D, इसका मतलब अगर मुझे T4 निकालना है, मुझे A चाहिए और D चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा A plus 3D। अब A का मतलब T1, ये देखो A का मतलब T1, देखो इस चीज को कंपेयर करना पड़ेगा, A का मतलब T1, इसका मतलब T1 का मतलब S1 भी हुआ, तो अभी तक हमें पता था जो T1 है वही A है, लेकिन अभी देखो जो T1 है वही A है वही S1 है, ये देखो जो T1 है यही A है और यही वाला S1 है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसका मतलब ये जो 7 है ये हम लोग का A हो गया, तो ये S1 जो है वो T1 है और वही A है और उसका वैल्यू 7 है। अब देखो इसमें अगर मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया तो हम आराम से Tn भी निकाल सकते हैं ना, Tn हम कैसे निकालेंगे, Tn के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा A plus N minus 1 into D, जिसमें से A मेरे पास पता चल गया कितना है और D मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब D कैसे निकालेंगे, D का मतलब होता है एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है, D का मतलब क्या होता है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब S2 का मतलब क्या है, T1 plus T2, S1 का मतलब है T1, इसका मतलब अगर हम लोग S2 minus S1 करते हैं तो वो क्या होता है, S2 मतलब T1 plus T2, ठीक है, और S1 का मतलब क्या, T1, S2 मतलब up to second term तक का addition, S1 का मतलब first term, तो अगर हम लोग इसको calculate करते हैं तो देखो हम लोग का second term निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब second term से क्या होगा, हम लोग D निकाल पाएंगे, second term से D निकाल पाएंगे, ये देखो 3 से 1 minus कर दो 2 निकल के आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग को हमारा second term मिल जाएगा ऐसे करके, और second term मिलने से हम लोग D कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि D का कंसेप्ट सेकंड वाले टर्म से ही स्टार्ट होता है। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि S2 minus S1 करते हैं, तो S2 का मतलब दो टर्म का एडिशन, that is 24, S1 का मतलब एक ही टर्म का एडिशन, तो ये T1 plus T2 समझा रहा है और ये बता रहा है T1, तो अगर माइनस करेंगे जो भी आंसर आएगा S2 minus S1 वो हमें क्या बताएगा, T2 के बारे में बताएगा। तो ये देखो 24 minus 7, तो ये हो गया 17, यानी कि T2, ठीक है, इसे हम लोग T2 बोलेंगे। अच्छा, अगर T2 का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A plus N minus 1 into D, यानी कि 17 इक्वल टू, A का मतलब तो पता चल गया है 7, N है 2 इस केस में, और D हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इससे देखो D मिल जाएगा 17 minus 7 और ये हो गया 2 minus 1 यानी कि D, तो 10 इक्वल टू डी, यानी डी हम लोग का 10 आ जाएगा, यहाँ 10 लिख लो तो टी एन का आंसर मिल जाएगा। ये देखो 7 प्लस 10 एन माइनस 10, तो 10 एन माइनस 3, टी एन का वैल्यू 10 एन माइनस 3, चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, 10 एन माइनस 3 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखो ये समझाया मैंने इसलिए टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, एमसीक्यू के तरह ही होगा क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये कंसेप्ट होना चाहिए कि एस वन एस टू ये सब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एसएन पता इसे एस वन निकाला, एस वन का मतलब ही फर्स्ट टर्म टी वन या ए जो भी बोल दो, और टी एन फाइंड आउट करने बोला यानी ये वैल्यू, तो अगर मुझे ए पता है तो वो वैल्यू पुट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे, डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी का कंसेप्ट सेकेंड टर्म से स्टार्ट होता है, तो अगर मुझे किसी भी तरह सेकेंड टर्म पता चल जाए तो हम लोग आराम से डी निकाल सकते या सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी मिलेगा, तो क्योंकि मैंने एस टू निकाला है और एस टू और एस वन का जो डिफरेंस है वो तो सेकेंड टर्म के लिए आ रहा है, एस वन का टोटल
एस टू के टोटल में डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि एस वन मतलब एक टर्म का टोटल, एस टू मतलब दो टर्म का टोटल, तो दो टर्म का टोटल यानी टी टू यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इससे हमें टी टू मिल जाएगा। टी टू का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ये देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए नोन है, टी टू का वैल्यू नोन है, एन का मतलब पता है, तो डी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया 10। अब 10 को पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा 10 एन माइनस थ्री। बाकी देखो थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 10th का आंसर हम लोग का आ गया ऑप्शन सी, ये हम लिख देते हैं। हाँ यहाँ ऑप्शन सी मैंने लिख दिया है। अब 11th नंबर करते हैं। देखो 11th नंबर में क्या बोला है, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, इसका 20th टर्म पूछ रहा है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं 20th टर्म। यहाँ पर 20th मतलब टी ट्वेंटी निकालने के लिए बोला है। टी ट्वेंटी का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में अगर पुट करेंगे टी ट्वेंटी ए कितना हो जाएगा। अब सीरीज में देखो 11 नंबर में ए वन है, ठीक है, ए हम लोग का कितना है वन, ये प्रोग्रेशन के लिए पूछा है ना, तो वन एन 20 है, 20th टर्म निकालेंगे। डी का मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब 4 माइनस 1, ये देखो 4 माइनस 1 डी निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो गया, यहाँ 3 लिख दो। अब टी 20 कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस ये हो गया 20 माइनस 1 19 इंटू 3 57 होगा शायद, तो ये 58 आ जा रहा है, 11th का 58 हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 11th का आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। The last term of the series 221 term, क्या बोला है, देखो इस term का last term पूछा है, ये last term कितना है बोल रहा है 21, ये series कब तक चलेगा, 1, 2, 3 से लेके 21 तक चलेगा, तो last term 21 हो गया, इसका मतलब हमें टी 21 निकालने के लिए बोल रहा है। लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, अगर हमें 21 नहीं बोला जाता तो हम लोग सिर्फ टी एन से ही डिफाइन करते, लेकिन बोल रहा है कि ये सीरीज 21 टर्म तक चलेगा, यानी लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 21 हुआ, तो टी 21 निकालेंगे। टी 21 का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेम फॉर्मूले में करना है, और ए का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये देखो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज कितना 5 लिखेंगे, अच्छा ये 21 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। डी का मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, डी कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 5 करेंगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी 2, ठीक है, यहां लिख दिया 2, अच्छा 5 प्लस 20 इंटू 2 40, तो 45 होगा। अब चेक करते हैं 45 हम लोग का ऑप्शन में है या नहीं है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था 12 वाला भी, 45 हाँ है, ऑप्शन सी, ठीक है 45, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा इसके बाद देखो 13, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, इसका सेम क्वेश्चन बोला है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का लास्ट टर्म 13 टर्म तक ये एपी कंटिन्यू करेगा, तो फिर सेम टाइप निकालना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट टर्म जो कि टी 13 है, क्योंकि ये सीरीज जो है टी 13 तक जा रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी 0.6 है, यहाँ पर देखो 0.6 है, ठीक है, ये 0.6 है। अच्छा अब ये 0.1 रहने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन करते हुए गलत हो जाता है डी वगैरह, तो उसका ध्यान रखना है। डी कैसे निकालेंगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, हम पहले दो टर्म में ही निकालते हैं, बाकी में भी निकालोगे सेम ही आएगा, तो 1.2 माइनस 0.6, तो सेकेंड टर्म और उसके आगे वाला टर्म, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 माइनस 0.6, ये आएगा हम लोग का 0.6 ही आएगा, ठीक है 0.6 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.6, तो टी 13 0.6 प्लस 12 इंटू 0.6 7.2, ये वाला 7.2, अब ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 7.8 हो जाएगा, 0.6 प्लस 7.2 कैलकुलेटर पे करके देखो 7.8 आना चाहिए, तो 13 का आंसर 7.8 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द सम ऑफ द सीरीज टू 100 टर्म. अगर ये सीरीज 100 टर्म तक कंटिन्यू कर रहा है तो उसका सम कितना होगा, मतलब एस 100 निकालने के लिए बोला है. सम का मतलब एस लेना है फॉर्मूले में. अब एस कहां तक निकालने के लिए बोला है, बोल रहा है सीरीज 100 टर्म तक जाएगा, पूरे सीरीज का टोटल सम ऑफ द सीरीज यानी एस ऑफ 100 निकालने के लिए बोला है. ठीक है, अब इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो क्योंकि यहां हमें पता है कि लास्ट टर्म 100 है तो लास्ट टर्म निकाल के भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. हम समझाते हैं, देखो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस l, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है. कैसे, n का मतलब 100 है, ये 2 नीचे फॉर्मूले में जैसा है, a का मतलब 9, ठीक है, और लास्ट टर्म जो है वो तो t 100 है, तो t 100 निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, t 100 a प्लस 100 माइनस 1 इंटू d करके. a कितना है, a फर्स्ट टर्म है यानी कि 9, ठीक है, ये 99 हो गया. और d कितना है, d निकालते हैं एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी 5 माइनस 9 माइनस 4, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस 4. अब चेक करते हैं t 100 कितना आ रहा है, 99 इंटू 4 माइनस में आ रहा है 396, 9 माइनस 396 387 आ रहा है. ठीक है, ये 387, अब ये लिख लो 387 और आंसर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये माइनस 387 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में लिखना पड़ेगा 387 और ये आ गया माइनस में आएगा और इनटू 50, तो चेक करते नेगेटिव में 18,900 आएगा. यानी अगर हम लोग इस टर्म को 100 तक ऐड करेंगे तो माइनस 18,900 यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा. अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, जो और एक फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं. कैसे, ये रहा एस 100, यहाँ पर एन बाई टू ही रहेगा, a के जगह 2a हो जाएगा, 2a plus n minus 1 into d, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से निकालेंगे. n हमें पता है नंबर ऑफ टर्म जो कि 100 ही है, a क्वेश्चन में गिवन है, मतलब सीरीज देखने से पता चलेगा a 9 है, n कितना है 100 minus 1 और d निकालना पड़ेगा, d तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, यहाँ से देख के लिख सकते हैं minus 4. तो d तो हम लोग एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके निकाल लेंगे. अब यहाँ पर देखते कितना सोल्यूशन आता है, ये हो गया 50, 18 और ये 99 इंटू 4 माइनस 396. अच्छा, माइनस 396 प्लस 18 इंटू 50, ये देखो 18,900. कैलकुलेटर पे पूरा कर सकते हैं, माइनस 18,900 दोनों से ही आंसर आ जाएगा. कोई भी फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो ये. लेकिन देखो यहाँ पर हमें बोला था कि सीरीज 100 तक जा रहा है तभी हम लोग ये लास्ट टर्म टी 100 निकाल पाए. अगर ये नहीं बोला हुआ होता तो हमें डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे करना पड़ता. तो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर इस तरीके से कर सकते. अच्छा, 14 के बाद देखते हैं नेक्स्ट. 15 बोल रहा है टू एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन माइनस 6 एंड 14. तो यहाँ पर दो एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है माइनस 6 और 14 के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ पर हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 15, ये मैंने सही किया 14 की, माइनस 6 और 14 इसके बीच में मिडिल में टू एरिथमेटिक मीन हमें इंसर्ट करना है यानी दो. तो ये फर्स्ट टर्म, ये a, ये सेकेंड टर्म T3 और ये T4 है, ये T1 भी हम लोग बोल सकते हैं. अच्छा, तो हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, अगर T2 और T3 निकाल लेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो T2 कैसे निकालेंगे, T2 का मतलब a plus n minus 1 into d. तो a कितना है minus 6, n यानी second term निकाल रहे हैं, तो 2, d नहीं पता, इस question में d नहीं पता. ठीक है, T2 का value हो गया minus 6 और ये हो जाएगा plus d, 2 minus 1 यानी कि 1, minus 6 plus d. अच्छा, और T4, अच्छा T4 देख लेते, T4 कितना होगा, a plus 4 minus 1 into d. T4 हम लोग को गिवन है 14, a हमें पता है माइनस 6, तो ये 3d. अच्छा, यहाँ से d निकल जाएगा, तो 14 प्लस 6 इक्वल टू 3d, 20 इक्वल टू 3d, तो d इक्वल टू
हो गया 20/3, इसे कैलकुलेट करने से मिल गया डी 20/3। अब यहाँ पर 20/3 अप्लाई करते हैं, टी टू मिल जाएगा 18+20 2/3। चेक करते हैं टी टू 2/3 है कि नहीं, तो 2/3 एक है ऑप्शन। तो इसका मतलब देखो, या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा, सी तो होगा नहीं क्योंकि -2/3 तो हम लोग का आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए या बी। अब नेक्स्ट वाला भी चेक करेंगे तब कंफर्म कर पाएंगे कि ए होगा कि बी होगा, ठीक है। तो टी टू तो हमें मिल गया, अब टी थ्री निकालते हैं। तो टी थ्री कैसे हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मतलब -6, एन का मतलब 3 और डी का मतलब हो गया हम लोग का 20/3। चेक करते हैं, -6+2 × 20/3 18+40, ठीक है 18+40 मतलब 40 - 18 22/3 आ रहा है 22/3। अब इसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं, फ्रैक्शन है इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं इस फॉर्मेट में, ये 7 1/3 ऐसे फॉर्मेट में कर लेते हैं ताकि आंसर मैच कर पाए। तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है ऑप्शन बी होगा। ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है चैप्टर, इतना बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ही ज्यादा है। देखो बाकी फॉर्मूला जैसा हम लोगों ने सीखा था वैसा ही, अलग कुछ है नहीं, लेकिन अगर ऐसा सब कैलकुलेशन आए तो टाइम तो लगेगा ना, -6+20/3। अब ये कैलकुलेटर में हो सकता है लेकिन वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने के बाद फिर तुम लोग को यहाँ जो है कैलकुलेटर में एक एक ऑप्शन को पुट करके पॉइंट को फिर मैच करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो हम ये कहना चाह रहे हैं ये -6+20/3, ये लिखने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा लेकिन इसे कैलकुलेशन करने में यहाँ पर तो टाइम लग रहा है ना। तो अगर तुम लोग ऐसे करते हो 20/3, अब ये पॉइंट में आ जाएगा, फिर -6 करोगे तो ये ऐसे आ रहा है। अब ये 0.66 का मतलब कैसे पता चलेगा, फिर यहाँ ऑप्शन लो 2/3 तो ये इतना ही आना चाहिए, तो इससे पता चलेगा हाँ ऑप्शन ए होगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज ज्यादा लगेगा, इससे बेटर है कि अगर हम लोगों के पास जैसा ऑप्शन है उस पैटर्न में निकाल लेते हैं तो जल्दी होगा। यहाँ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने में भी ना टाइम लगेगा, याद रखना पड़ेगा कि पॉइंट कितना आ रहा है, तो उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी ना हम लोग ऑप्शन डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा होगा। अच्छा इसके बाद देखो 16th नंबर में द सम ऑफ द 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15, बोल रहा है कि 3 इंटीजर है उसका सम है 15, जो इंटीजर्स है वो एपी में है। इंटीजर का मतलब होता है जो कुछ फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। बोल रहा है कि ये अगर 3 इंटीजर है जैसे ए बी सी, इस ये एपी में है, बोल रहा है मतलब ये सब में डिफरेंस डी डी का है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका अगर हम लोग सम करते हैं तो वो 15 आता है और इसका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 80 आता है, तो इंटीजर कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, देखो कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम लोग आराम से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। जैसे देखो हम यहां पर एक करके दिखाते हैं, 16th नंबर 285 पहला ऑप्शन है, ठीक है हम ऑप्शन ए लिखते हैं 285। उसके बाद है 825, यहां पर लिख दिया 825। नेक्स्ट है ऑप्शन सी 258 और ऑप्शन डी है 852। अच्छा अब हम लोग इससे कैसे मैच करेंगे, तो ये एपी में होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये जो इंटीजर्स है इसका सम देखो 15 हर जगह पे होगा, सिर्फ इसको देख के नहीं चेक कर सकते हो। ये देखो ये तीनों का सम 15, इसका भी सम करो 15, 8+2 10, ये भी देखो 15, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये लास्ट वाला जो ऑप्शन था ये भी 15 आएगा, तो सिर्फ इससे हम लोग मैच नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू बोला था 80, देखो 80 हर जगह पे होगा, कैसे ये देखो 5 × 2 10 10 × 8 80। अब 258 को ही तो हर जगह पे आगे पीछे करके दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट करोगे तो हर जगह पे 80 आएगा, तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट करके हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों इंटीजर का सम 15 है, तीनों इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन 80 है, ये हर एक ऑप्शन में वैलिड हो जा रहा है, तो कैसे आंसर निकाले ऑप्शन से। बोल रहे हैं यहाँ और एक पॉइंट भी बोला है, 3 इंटीजर एपी में है, एपी में होने से एक लॉ या रूल से ये जो है एड या लेस होगा लगातार हर एक डेटा, ठीक है। तो 2 से 8 चेक करते हैं, 2 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 5 होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं, 8 से 2 जाने का मतलब है -6 करना, ठीक है 8 में -6 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में -6 करने से 5 होगा, नहीं होगा,
देखो नहीं होगा ना, जो भी आएगा आंसर माइनस में आएगा, तो ऑप्शन बी भी हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है. सी का देखते हैं, 2 से 5 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3. हाँ ये आंसर सही है. देखो ये एपी में भी है तीन इंटीजर, इसका एडिशन करने से 15 और मल्टीप्लिकेशन करने से 80 हो रहा है. इस पे भी नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो. माइनस 3 करने से 5 होगा, यहाँ माइनस 3 करने से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. हाँ ये भी हो रहा है, ठीक है ये भी आंसर हो रहा है. तो ये एक्चुअली आंसर सी और डी दोनों ही होगा. वैसे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हम लोग सी और डी दोनों बोले, और एग्जाम में भी ऐसा नहीं आएगा कि तुम लोग का दोनों आंसर होगा, बट इस क्वेश्चन में ऐसा है कि हम लोग का दोनों आंसर सही हो रहा है. ये देखो अगर तुम लोग इसका जो है कि यहाँ पर जो आंसर्स दिया हुआ है ना उसमें अगर चेक करोगे ना, तो मुझे लगता है जितना याद आ रहा है मुझे सी डी एक साथ दिया हुआ है, लेकिन ना एग्जाम में ऐसा नहीं होता है. ये देखो 16th नंबर सी कॉमा डी, लेकिन एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग का आंसर सी भी होगा एज वेल एज डी भी होगा, ठीक है कोई एक ही आंसर होगा. तो ये दे दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन आंसर दोनों है. लेकिन देखो ऑप्शन ऐसा बनाया नहीं है कि किसी को समझ में आए कि दो आंसर देना है, वैसे आंसर दोनों हो रहा है. अगर हम लोग चेक करके देख रहे हैं तो पता तो चल रहा है ना कि आंसर दोनों ही हो रहा है. अच्छा इसके बाद 17 नंबर करेंगे. ये देखो यहाँ पर बोल रहा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का टर्म को हमें सम करना है एस एन टर्म तक, मतलब एस ऑफ एन वो है 3n² + 5n. मतलब इसके पहले जैसा क्वेश्चन किया था ना, दो तीन क्वेश्चन पहले वैसा ही, सीरीज क्या होगा. तो ये देखो इसको ना हम लोग ऑप्शन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर सीरीज अवेलेबल है. हम लोग ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें पूरा सॉल्व करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो पहला बात बोल रहा है कि कुछ एक सीरीज है, ठीक है एन तक, उसका सम बोल रहा है ये है, और वो सीरीज एपी में है, तो सीरीज क्या होगा. तो सीरीज का ऑप्शन दे दिया, ये तीनों में से जो सीरीज एपी में होगा वही हम लोग का आंसर होना चाहिए. तो हम पहले ऑप्शन लिख के दिखाते हैं, देखो ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हो. 17th नंबर देखो ऑप्शन से कैसे चेक कर सकते हैं. ऑप्शन ए हम लोग को दिया है 8, 14, 20, 26. चेक करते हैं क्या ये एपी में है, क्योंकि सीरीज जो है वो एपी सीरीज है. चेक करते हैं यहाँ पर प्लस 6 करने से 14 होगा. देखो 14 माइनस 8 करने से ही पता चलेगा. यहाँ पर प्लस 6 करने से 20, यहाँ पर प्लस 6 करने से 26. अच्छा ये तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि ये एपी में है, लेकिन यहाँ क्योंकि दो तीन आंसर हो जा रहा है तो हम लोग दूसरा ऑप्शन भी ना एक बार चेक कर लेते हैं. ऑप्शन बी में दिया है 8, 22, 42, 68. देखते हैं आंसर क्या होगा. 22 माइनस 8 करके देखते कितना आया, 14. अच्छा 8 में 14 ऐड करने से 22 होगा, 22 में अगर 14 ऐड करेंगे तो 42 नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा. ठीक है तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं. ऑप्शन सी में क्या दिया है, देखो ऑप्शन सी में 22, 68, 114. इसमें भी चेक कर लेते हैं एग्जाम में, लेकिन तुम लोग एक चेक करोगे उसमें से अगर आंसर आएगा वही आंसर दे दो, क्योंकि एग्जाम में कभी भी दो तीन आंसर नहीं होता है हम लोग का, ठीक है. तो अगर ऐसा होगा भी तो ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा ए कॉमा बी इस तरीके से, क्योंकि वहां तो तुम लोग को टिक करना है ना, इसीलिए 46 ऐड करने से आएगा. अच्छा 68 में 46 ऐड करने से क्या हम लोग का 114 आएगा, चेक कर ले. हाँ 114 आ रहा है, ठीक है 114 हम लोग का यहाँ पर भी आंसर आ रहा है. तो इसमें भी क्या दो आंसर होगा, चेक कर लेते हैं. ठीक है देख लेंगे कि दो आंसर है कि नहीं. तो यहाँ पर बोला है कि द सीरीज इज, तो मेरा तो दो सीरीज आंसर आ रहा है 22, 68 और 114. हम इसको चेक कर लेते दो आंसर है कि नहीं. तो मेरा ए भी करेक्ट हो रहा है और सी भी हो रहा है, एक बार चेक कर लेते दोनों होगा कि नहीं. हाँ ये तो ठीक है, 68 में 46 ऐड कर लेते हैं, 114 आ गया. ठीक है अच्छा, लेकिन यहाँ पर हम लोग और एक तरीके से भी चेक कर सकते हैं, वो भी हम दिखा देते हैं. क्या उसमें से भी हम लोग का दोनों आंसर आ रहा है. ये जो सीरीज का टोटल है वो है 3n² + 5n, ठीक है. तो दूसरे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं. एस एन हम लोगों के पास गिवन है 3n² + 5n, इससे हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं एस वन कितना होगा. तो 1² + 5 × 1, तो ये हो गया
थ्री प्लस फाइव यानी कि एट। अच्छा अब देखो अगर ये एट आ रहा है, यही मेरा टी वन है, यही मेरा ए है, तो इससे ये कन्फर्म होता है कि मेरा आंसर ए होना चाहिए। सिर्फ एपी सीरीज में होने से नहीं, चेक करके नहीं देख सकते। देखो एपी सीरीज में होना चाहिए, ये भी एपी सीरीज है लेकिन ये आंसर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट टर्म इसमें 22 दिया है, जबकि इस पे पुट करने से फर्स्ट टर्म हमें पता चला एट। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एट। अब देखो तुम लोग सोचो कि एग्जाम में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि क्या करना पड़ेगा। पहला बात है कि एग्जाम में एक ही आंसर तुम लोग का सही आंसर होगा। अगर एग्जाम में मान लो ऐसा हुआ कि तुम लोग ऑप्शन से चेक किए, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, फिर इस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि दोनों आंसर तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास वैसा होता है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोग को दोबारा से चेक करके देखना चाहिए कि इन दोनों में से जो क्लैश हो रहा है तो एग्जैक्ट सही कौन सा है। एपी दोनों ही हो रहा है लेकिन कौन सा इस सीरीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो टी वन एट आ गया, इसका मतलब ये तो एट से स्टार्टिंग है, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, ये हम लोग का परफेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। और तुम लोग इसके बाद एस टू भी एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो अपने तसल्ली के लिए। ये रहा, ये देखो 12 + 10 यानी कि 22, एस टू हो गया। अब एस टू से एस वन लेस करने से टी टू आ जाएगा, तो 22 - 8 = 14, ये देखो 14। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर ऐसे लग रहा था देखने से 17 वाला कि दोनों ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन था इसको रीचेक करने का। इससे उससे रीचेक करके पता चला कि ये नहीं, ये जो टोटल बन रहा है वो इस सीरीज से बन रहा है, इस सीरीज से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सेकेंड टाइम चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी भी दो आंसर नहीं होगा, एक ही आंसर हमें दिया जाएगा करने के लिए। और अगर होगा भी ना, जैसे मान लो डी नन ऑफ दिस है, तो फिर ऐसा होना चाहिए C, D, तब जाके तुम लोग टिक कर पाओगे ना। दोनों आंसर अपने आप कैसे लिखेंगे हम लोग, वो तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। अच्छा, अब हम लोग देखो 18 वाला करते हैं। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 and 25,556 डिविजिबल बाय 5। बोल रहा है कि 74 से लेके 25,556 के बीच में कितने सारे नंबर है, कितने सारे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 74 से लेके 25,556 के बीच में कितने सारे ऐसे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 74 और 25,556 के बीच में कितने सारे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है। जैसे मान लो 1 से लेके 10 के बीच में कितने सारे ऐसे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है, तो हम लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 तो फिर 10 के बीच में, नहीं इसको हम एक काम कर देते 1 से लेके 20 के बीच में, तो 10 आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो तीन नंबर ऐसे हो जाएंगे जो डिविजिबल बाय 15 है, लेकिन ये तो हम लोग ओरली निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इतना सारा डेटा दे दे 74 से लेके 25,556 के बीच में कितने सारे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो। इसका मतलब ये जो है 74, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, एक दो नंबर हम लोग ओरली चेक करते हैं, 74 के बाद क्या आ जाएगा, 75 जो कि डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये लिखना चाहते हैं कि नंबर क्या क्या हो सकता है जो डिविजिबल बाय 5 है। 75 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 होगा, 75 के बाद 76, 77, 78, 79, 80 जो है डिविजिबल बाय 5 होगा। उसके बाद तीन चार नंबर लिखेंगे तो समझ में आएगा क्यों लिखवा रहे हैं। 80 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 होगा, 81 नहीं होगा, 85 ऐसा नंबर होगा। 85 के बाद 86, 87 नहीं होता है, 88 नहीं होता है, 89 नहीं होता है, 90, ठीक है, ये डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो अब डॉट डॉट कर देते हैं और 25,556 लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है ये बीच में कितने सारे ऐसे नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। अगर हम लोगों ने इस डेटा को लिखा, एक दो डेटा लिखा, देख सकते हो ये एक एपी सीरीज बन गया है। कैसे, ये देखो 75 से 80 कितना है, प्लस
85 देखो 85 से 90 प्लस 5 यानी जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है डी 5 आ रहा है ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर टी एन हमें पता है लास्ट डिजिट हमें पता है मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही ना ढूंढना पड़ेगा। सोचो पूछा है कि कितने सारे ऐसे नंबर है तो अगर हमें पता चल जाए कितने सारे नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म देखने से ही पता चलेगा। तो टी एन जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोल सकते हैं ठीक है ये इसको हम टी एन मान लेते हैं। तो टी एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं देखो समझ में आएगा एन निकल जाएगा इससे। टी एन का मतलब 25,556 ए का मतलब कितना हो जाएगा ए हम लोग का 75 ये ऐसे करो ए का मतलब कितना हो जाएगा 75 ठीक है। और यहाँ पर एन नहीं पता और डी का मतलब 5 है ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा अब ये 75 इधर माइनस कर देते हैं 25,556 माइनस 75 इक्वल टू 5n माइनस 5 अब ये 5 भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं 25,556 माइनस 75 प्लस 5 चेक करते हैं कितना आ गया 25,556 माइनस 70 25,486 इक्वल टू 5n तो n इक्वल टू 25,486 डिवाइडेड बाई 5 ठीक है डिवाइड करते 5097.2 आ रहा है 25,486 आ गया 6, 7. अच्छा हाँ एक चीज गलत हो गया देखो हम लोग को क्या लेना है इसके बीच का नंबर लेना है ना तो इसके जस्ट आगे वाला पता करना पड़ेगा ये तो टी एन नहीं मान सकते क्योंकि हमें इसके बीच का नंबर ये ए लिया है तो ये टी वन हो गया ये टी टू ये टी थ्री ये टी फोर और लास्ट कौन सा ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 5 होगा इसके आगे वाला कौन सा नंबर क्योंकि ये तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है अगर होता तो ले सकते थे ये तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है इसके आगे कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 5 होगा 25,555 ये डिविजिबल बाय 5 है क्योंकि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 और 5 है ये देखो ये हम लोग बचपन में ऐसे सिखाया जाता था ना जो भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा एक बार चेक करके देख लो ठीक है ये रहा ये देखो 511 डिविजिबल बाय 5 है तो ये हम लोग का क्या आ रहा है ये टी एन आ रहा है मैंने गलती से ये ले लिया इन दोनों के बीच का लेना है ना तो ये कैसे ले सकते ये भी नहीं ले सकते ये तो मैंने ठीक ही किया था यहाँ पर गलती से ये वाला ले लिया तो इसके बीच में जितने सारे नंबर है वही तो ढूंढना है तो लास्ट नंबर है 25,500 ये 5 हो जाएगा और कुछ नहीं इसको 5 कर दो सही हो जाएगा तो ये भी मेरा 5 ही आएगा माइनस करने से ये 5 आ जाएगा यहाँ पर ये 5 अब 5 से डिवाइड करते हैं 25,485 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो गया 5097 ठीक है n यानी जो लास्ट टर्म है वो निकल के आया 5097 यानी 25,555 कितना नंबर टर्म है 5097 नंबर टर्म है ठीक है तो इसका मतलब ये देखो 5097 इतने सारे नंबर हो जाएंगे 5097 नंबर्स है जो 74 से 25,556 के बीच का है जो कि डिविजिबल बाय 5 है ठीक है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन आ गया हम लोग का बी ऑप्शन बी हो जाएगा ये हम लोग का सही आंसर है। जैसे देखो ये तो एक बड़ा सा क्वेश्चन था जैसे अगर हमें ये बोले 4 और 16 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है तो 5 10 और 15 ये तो हम लोग ओरली निकाल सकते हैं लेकिन इसको भी हम लोग चाहे तो फॉर्मूला में कर सकते थे ना क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है तो फॉर्मूले का जरूरत नहीं हो रहा है लेकिन इतना सारा चीज तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 16 के आगे 15 है तो ये देखो ये अगर टी एन टर्म है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके देखो टी एन ए का मतलब 5 ठीक है एन हमें नहीं पता डी कैसे निकालेंगे दोनों टर्म का यहाँ पर 5 आ रहा है तो कितना आंसर आ जाएगा ये हमारे पास 15 पता है माइनस 5 इक्वल टू 5n माइनस 5 तो ये इधर ट्रांसफर करो 5n
तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3। ये देखो तीन ऐसे नंबर है जो कि डिविजिबल बाई हम लोग का 5 होगा। तो क्या किया, पहले देखो 74 और इसके बीच का नंबर ढूंढना है, ऐसे कितने सारे नंबर है जो डिविजिबल बाई 5 है। तो हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया 74 के बाद 75, 80, 85, 90 और इसके जस्ट आगे वाला जो नंबर है वो भी डिविजिबल बाई 5 है। मतलब सीरीज ऐसे T1, T2 से लेके TN तक जाएगा, ठीक है। तो ये ए और ये a प्लस डी, ऐसे करके हम लोगों ने d भी निकाल लिया और ये वाले टर्म का हम लोगों ने वैल्यू को यूज करके यहाँ से n फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ से n फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब हम लोग का 5097 नंबर्स है 75 से लेके 25,556 के बीच में जो डिविजिबल बाय 0 और 5 होगा। अच्छा अब 19 नंबर देखो, इसमें बोला है द पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज 3p-1 डिवाइडेड बाय 6। पीएथ टर्म यानी टीपी बोला है 3p-1 डिवाइडेड बाय 6, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है 3p-1 डिवाइडेड बाय 6। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, एपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है। तो हमें सबसे पहला बात है एस एन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2a + l, ये हो सकता है या फिर 2a से भी हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूले का जरूरत होगा। या तो ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर ये वाला 2a + n - 1 × d। अब देखते हैं कौन सा सूटेबल होगा डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो ये पीएथ टर्म का वैल्यू दे दिया है, अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग निकालते हैं फर्स्ट टर्म कितना होगा। ये अगर पीएथ टर्म है तो टी वन कितना होगा, 3 × 1 - 1 / 6, मतलब 2/6, ठीक है। 2/6 ये जो है ये हम लोग का फर्स्ट टर्म, यानी कि ये ए निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, टी टू निकालते हैं, 3 × 2 - 1 / 6, मतलब 6 - 1/6 यानी कि 5/6। तो टर्म जो बन रहा है, टर्म ऐसा बन रहा है 2/6, 5/6 .. करके टी एन तक जाएगा, ये हम लोग का सीरीज बनेगा। अच्छा अब इससे डी भी तो निकाल सकते हैं, डी कैसे निकालेंगे, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो एनी टर्म यानी 5/6 माइनस प्रीवियस टर्म यानी 2/6, तो ये हो गया 3/6, ठीक है, ये d निकल के आ गया। अच्छा तो हम लोग के पास अवेलेबल क्या क्या है, अवेलेबल डेटा है हम लोग के पास d और a, ठीक है। तो a और d अगर अवेलेबल है तो हम लोग s ऑफ n का ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये नीचे वाले फॉर्मूले से। लास्ट टर्म तो हमें नहीं पता, लास्ट टर्म कहां तक जाएगा वो भी नहीं पता, तो लास्ट टर्म तो टी एन होगा, इसमें n पुट कर दोगे तो हो जाएगा, वैसे करके भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। ये देखो लास्ट टर्म टी एन होगा, ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट टर्म ये देखो यहां से Tn होगा लास्ट टर्म। तो Tn को कैसे लिखेंगे, 3n - 1 / 6, मतलब 3n - 1 / 6 Tn, ये हो गया, यहाँ लिख ले 3n, ऐसे भी कर सकते हैं ऑल्टरनेट तरीके से, या फिर उसमें भी पुट करके कर सकते हैं। अब निकालेंगे s ऑफ n, तो n/2 × a + l, चेक करते हैं, n का मतलब नहीं पता हमें, ठीक है, कितने सारे टर्म है, a पता है 2/6, l अभी अभी निकाला 3n - 1 / 6, चेक करते हैं, यहाँ 6 LCM हो जाएगा, 2 + 3n - 1, देखते हैं कितना आता। तो n/2 × 3n + 1, ये देखो ये सॉल्व करने से तो कितना आंसर हो जाएगा, n/12, 6 × 2 = 3n + 1, ऐसे करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3n + 1, चेक करते हैं n/12, 3n + 1, कोई ऑप्शन है, n/12 ये देखो ये वाला, कैसे पता चला n/12, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला n/12 नहीं, कौन सा लिखा हुआ है, एक्सेलन, ये लिखा हुआ है n × 3n + 1 / 12, और ये लिखा हुआ है n/12 × 3n - 1। अच्छा हम लोग का माइनस आया कि प्लस आया, प्लस आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा,
ठीक है, प्लस आया तो ऑप्शन बी होगा, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी। ये देखो 19 का ऑप्शन बी कैसे करके कैलकुलेट किया, हम फिर से बता रहे हैं। हम लोग को टर्म दे दिया था टीपी, उससे हम लोगों ने T1 निकाला, T2 निकाला और लास्ट टर्म क्वेश्चन में बता दिया कि एन है। ये देखो द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, पहले एन टर्म्स का, तो लास्ट टर्म टी एन मान ही सकते, लास्ट टर्म जब हमें पता नहीं है तो वो एजम्पशन क्या होगा, लास्ट टर्म टी एन, फर्स्ट टर्म टी वन, तो लास्ट टर्म अगर टी एन है तो ये टी वन टी टू, तो टी एन निकाल लिया। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर लो, एन बाई टू, एन का नहीं पता एक्चुअली डिजिट में क्या होगा, एन बाई टू ए प्लस एल, एल ए तो ये आया 2/6 और एल हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया। अब सबको सॉल्व किया तो आंसर आ गया। क्या हम लोग इससे भी निकाल सकते थे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं, ये देखो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा होगा। ये देखो हम दिखाते हैं, दोनों से ही निकल जाएगा, एस एन लिख के ये देखो इससे भी दिखा देते हैं, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दूसरा वाला फॉर्मूला था, इससे भी सेम तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। a का मतलब कितना है 2/6, a का मतलब है 2/6 प्लस एन माइनस वन और d का वैल्यू है 3/6, अच्छा अब कैलकुलेट करते हैं, n बाई टू 4/6 प्लस ये मल्टीप्लाई करने से 3n/6 माइनस 3/6, इसमें सॉल्व जो है वो स्टेप्स थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, तो 4 प्लस 3n माइनस 3 n बाई टू इंटू 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा n इंटू 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। देखो सेम ही आंसर आएगा, चाहे ये वाला ऑप्शन ले लो या फिर ये वाला ऑप्शन, किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर ये वाला फॉर्मूला और ये, दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेबल हो पा रहा है, तुम लोग को जिससे ठीक लगे, लेकिन दोनों ही याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा हमारे पास ऑप्शन होता है कि एल पता ही नहीं रहता है, तब हमें ये करना चाहिए, तभी ना इस फॉर्मूले को एलाबोरेट किया गया है कि अगर हमें एल ना पता हो तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला दोनों ही याद रखना चाहिए। तो दोनों तरीके से किया हम लोगों ने, तो याद भी रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे थे, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77, बोल रहे 33 और 77 के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, कितना सारा वो नहीं बोला, इसका मतलब एक ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ कितने सारे अरिथमेटिक मीन है बोला भी नहीं, ऑप्शन भी बता रहा है कि एक ही बात हो रहा है, एक टर्म का, क्योंकि देखो ऑप्शन एक है 50 45 55, अगर हमारा 3-4 टर्म होता इंसर्ट करने के लिए तो ऑप्शन भी उतना सारा होता, तो क्वेश्चन में भले ही हमें क्लियरली ना बताया हो लेकिन ऑप्शन देख के तो पता चल रहा है एक ही टर्म इंसर्ट करने का बात हो रहा है, ठीक है, और जब भी एक टर्म होता है ना तो उसमें अरिथमेटिक मीन बोल देता है क्योंकि इसको एवरेज करने से हमें पता चल जाएगा। ये देखो 33 और इसके बीच का हमें ये वाला टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो अरिथमेटिक मीन जैसे एवरेज निकालते हैं 33 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2, 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 55, ऑप्शन देखते हैं सी। अच्छा क्या इसे हम लोग नॉर्मल प्रोसेस में भी कर सकते हैं, हाँ ये देखो ये टी वन है ए, ये टी टू फाइंड आउट करने के लिए बोला, ये टी थ्री है, ठीक है, तो टी थ्री का मतलब क्या होता है, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए का मतलब है 33 प्लस 2 इंटू डी, ये 77 है, तो d कैसे निकालेंगे, 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 माइनस 33 यानी 44, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, d अगर 22 हो गया और पहला हम लोग का टर्म अगर 33 है तो 33 प्लस 22 ये क्या होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी करने से कितना आएगा 33 प्लस 22 यानी कि हम लोग का 55, ठीक है 55 हो गया, तो ये ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, जब एक ही एरिथमेटिक मीन एक ही अगर हमें डेटा इंसर्ट करना होता है ना सीरीज में तो सिर्फ एवरेज करने से ही हमें पता चल जाता है कि दोनों के बीच का डेटा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो बोला 4 एरिथमेटिक मीन्स, 4 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो अब एवरेज करने से नहीं होगा, तो हमें T1 T2 इस तरीके से ही करना पड़ेगा, 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, डेटा है
माइनस टू और 23, तो माइनस टू इसके बीच में फोर अरिथमेटिक, मतलब वन टू थ्री फोर, ये ध्यान रखो, मतलब टू से काउंट करके वन टू थ्री फोर मत कर दो, तब गलत हो जाएगा। इन दोनों के मिडिल में, यानी 23 और माइनस टू के मिडिल में तीन चार इंसर्ट करने के लिए बोला गया है अरिथमेटिक में, ठीक है। तो ये ए है या फिर टी वन है, ये टी टू, टी थ्री, टी फोर, ये टी फाइव और ये टी सिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब हमें हर एक टर्म को निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी चाहिए और ए चाहिए, ए तो पता है, डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ डी का कोई लिंक नहीं होता है फर्स्ट वाले टर्म में, बाकी सब टर्म में डी का कंसेप्ट होता है। तो हम लोग टी सिक्स का वैल्यू पता है, तो हम लोग इसके हिसाब से निकालते हैं, ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू टी। टी सिक्स का मतलब 23, ठीक है, ए का मतलब टू है, ये 5 और d हो गया। अब ये इधर माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 2 5d, तो यहाँ पर हो गया 21 इक्वल टू 5d, देयरफॉर d इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, d का वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब जैसे ही d निकल गया, t2 निकाल लेंगे। t2 क्या होता है? t2 हो जाएगा a प्लस डी, ये देखो ये क्या होता है, a प्लस डी, ये क्या होता है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके निकाल सकते हो, और वैसे भी ऑप्शन तो दिखेगा ना, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t2 निकाल लेते सबसे पहले, a का मतलब है माइनस टू, ठीक है। अच्छा ये माइनस टू था, मैंने माइनस टू लगाया नहीं, ये इधर प्लस हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा d, ठीक है, इसको ठीक कर लो। माइनस टू था, मैंने माइनस टू नहीं लिखा, इसीलिए मेरा फ्रैक्शन आ रहा था, लेकिन मैंने ठीक कर लिया है। देखो माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, T2 हो जाएगा A प्लस डी, डी का मतलब कितना आया है, D का मतलब 5, तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, T2 3 हो जाएगा। T3 कितना होगा, A प्लस 2D, 2 इंटू 5, तो माइनस 2 प्लस 10, मतलब 8 हो जाएगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, 3, 13, 8, हम लोग का पहले कितना आया, 3, 13 तो नहीं आया, 3 के बाद 8 आ रहा है, मतलब सी, ऑप्शन सी देखो, ये हम लोग के साथ मैच हो रहा है। ये देखो हम लोग का पहला टर्म 3 है, तो बी तो नहीं होगा, ये पहला टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, लेकिन ये यहाँ पर दिया है 13, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो 3, 8, तो मुझे लगता है या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा। तो सी के हिसाब से तो हम लोग का टैली तो हो रहा है, और बाकी दो टर्म भी देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि आगे जाके मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी भी हम लोग का आंसर होगा फिर। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 2 मतलब 13 और टी 5 4 इंटू 5 20 माइनस 2 यानी कि 18, तो 3, 8, 13, 18 कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी ही हम लोग का आंसर होगा। एक बार लिख लिया ना, चेक कर लिया, जैसे देखो यहाँ भी 3 था लेकिन सेकंड वाला गलत। अब अगर सिर्फ 3 यानी फर्स्ट टर्म को देख के तुम लोग सोचने जाओगे तो गलत हो सकता है, ठीक है, इसीलिए पूरा चेक कर लेना बेटर रहेगा। तो 21 का आंसर हम लोग का सी होगा। अच्छा अब देखो 22 में क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, मतलब T1 या फिर A या फिर S1 जो भी बोलो वो है 14, ठीक है, हम लोग फर्स्ट टर्म को इतने सारे चीजों से डिनोट कर सकते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, मतलब S ऑफ 5, T1, T2, T3, T4, T5, इसके बारे में क्वेश्चन आगे बता रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोल रहा है कि S5 और S10, ये दोनों टर्म्स, S5 और S10 का जो आंसर आएगा वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं S5 इक्वल टू S10 है लेकिन माइनस है, किसी भी एक जगह पे माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, या तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी माइनस है। द थर्ड टर्म ऑफ द एपी, अगर ऐसा रिलेशन है तो एपी का थर्ड टर्म क्या है ये हमें पूछा है, तो देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं जो भी डेटा हमारे पास गिवन है, ए T1 या फिर S1, ये 14 क्वेश्चन में बता दिया है। अच्छा फिर बोल रहा है फर्स्ट 5 टर्म जो है वो बोल रहा है इक्वल है लेकिन एक जगह पे माइनस है, मतलब अगर इसका सम पॉजिटिव आएगा तो इसका नेगेटिव आएगा, साइन में ऑपोजिट है। और इसके बाद हमें बोल रहा है कि थर्ड टर्म ऑफ द एपी बता दो, T3 पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं,
देखो हम लोग यहाँ से एस फाइव और एस टेन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो एस फाइव का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. फाइव बाई टू इंटू टू इंटू फोर्टीन प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, देखते कितना निकल के आता है. फाइव बाई टू ट्वेंटी एट प्लस फाइव डी माइनस फाइव, तो फाइव बाई टू फाइव डी प्लस ट्वेंटी थ्री, ये हो जाएगा हम लोग का. ठीक है, ये हम लोग का कितना आ रहा है, फाइव बाई टू एन बाई टू टू ए मतलब ट्वेंटी एट, ये d है, 5d माइनस d. अच्छा मैंने 5 लिख ली, 5d, एक सेकेंड, 5d माइनस d हो जाएगा. ठीक है, तो 28 और ये 4d हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा. ठीक है, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर गलत कर लिया, 28 और ये हो गया 4d. ये देखो 5 बाई टू 28 प्लस 4d, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. पहले मैंने s5 निकाल लिया, इसी तरीके से हम s10 भी निकाल लेते हैं. ठीक है, s10 निकाल लेते हैं. यहाँ पर s10 कैसे निकलेगा, s10 n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टेन बाई टू टू इंटू ए, ए फोर्टीन है, टेन माइनस वन और डी, चेक करते कितना आएगा. तो टेन बाई टू फाइव हो गया, ट्वेंटी एट प्लस टेन डी माइनस टेन, फाइव इंटू ये हो जाएगा टेन डी प्लस एटीन. ठीक है, ये निकल के आ रहा है 10d प्लस, फिर से हम गलत लिखती हूँ, 10d माइनस d, ये होगा. तो 10d माइनस d, ये पता नहीं बार बार गलत कैसे हो जाए, 10d माइनस d, तो ये 28 प्लस 9d, ये होना चाहिए 28 प्लस 9d, लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा गलत हो गया था. अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि एस फाइव जो है वो एस टेन दोनों बराबर है, लेकिन जो इनका साइन है वो अलग है. ठीक है, तो एस फाइव कितना निकाला हम लोगों ने, एस फाइव निकाला है फाइव बाई टू ट्वेंटी एट प्लस फोर डी. अब दोनों को इक्वल करते हैं, फाइव बाई टू ट्वेंटी एट प्लस फोर डी, ये इक्वल है, एस टेन का वैल्यू कितना आया है, फाइव इंटू ट्वेंटी एट प्लस नाइन डी. ठीक है, ये वैल्यू निकल के आया, इसको हम ऐसे कवर कर देते फिर से क्योंकि इधर माइनस है. ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखते कितना आएगा. तो ये मल्टीप्लाई करते 28 इंटू 5 बाई 2, 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 70 प्लस 5 बाई 2 और ये 2 से कैंसिल होकर 2d मतलब 10d इतना हो जाएगा. ठीक है, 70 प्लस 10d और ये कितना हो जाएगा, 28 इंटू 5 140 प्लस 45d. अब सॉल्व करते 70 प्लस 10d माइनस 140 माइनस 45d. अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो गया 55d और ये इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हम लोग का आ रहा है 70 प्लस 10d माइनस 140 और माइनस 45d हो गया, ये आ जाएगा हम लोग का माइनस 70 आ जाएगा. ये भी इधर हो गया माइनस 70 और माइनस 140. अब चेक करते कितना आ रहा है, 55d इक्वल टू माइनस 210, तो d इक्वल टू माइनस 210 डिवाइडेड बाय 55, तो कितने से डिवाइड हो जाएगा क्या देखते हैं, 210 डिवाइडेड बाय 55, तो ये तो पॉइंट में आ जा रहा है, तो पॉइंट में आने से ना हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन से आंसर नहीं मैच कर पाएंगे. तो डी इतना आ गया. ठीक है, डी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब टी थ्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही तो कैलकुलेट करने बोला है. तो टी थ्री कैसे कैलकुलेट होगा, टी थ्री इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए पता है, ए है हम लोगों का 14. ठीक है, क्वेश्चन में पहले से ही पता है 3 माइनस 1. अच्छा, डी कितना है, माइनस 210 डिवाइडेड बाई 55, चेक करते हैं कितना होता है, 14 प्लस 2 इंटू माइनस 210 डिवाइडेड बाई 55, तो 210 इंटू 2
माइनस हो जाएगा प्लस माइनस में 420 डिवाइडेड बाई 55, क्या ये 55 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है छोड़ो। तो यहाँ पर लिखा 55 इंटू 14, 770 माइनस 420, 350 डिवाइडेड बाई 55, ये 11 से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये देखो 5 11 और 70 बाई 11, देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं ऐसा, 70 बाई 11, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करें, 70 बाई, ये हो सकता है, देखते हैं इसको ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं, 70 बाई 11 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 11 6 66, और ये हो जाएगा 4 बाई 11, 6 and 4 by 11, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 and 4 by 11 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो ऐसे कर सकते हो कि n by 2 2a plus n minus 1 into d, दूसरा और एक ऑप्शन भी है, हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, वो भी हम बताते हैं। जैसे देखो a हम लोग के पास गिवन है 14 और a is 5 बोला है, यानी लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n by 2 into a plus t5 हो जाना चाहिए लास्ट नंबर टर्म, ठीक है, तो t5 कितना होगा, a मतलब 14 प्लस 4d, ठीक है लास्ट वाला टर्म, तो s5 कितना हो जाएगा, 5 by 2, a का मतलब 14 है और t5 का मतलब 14 प्लस 4d, देखते हैं इससे भी आंसर हो जाना चाहिए कितना आ रहा है, 5 by 2 28 प्लस 4d, एक ही बात आ गया, देखो 5 by 2 28 प्लस 4d, ये हम लोग का आया था 5 by 2 28 प्लस 4d, तो इसमें से जल्दी आंसर हो सकता है, ठीक है, मतलब ये लास्ट टर्म यूज करोगे तो भी सेम तरीके से ही होगा, लेकिन इतना सारा डेटा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, लगभग एक ही होगा, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, हम एक बार दिखा देते हैं, और अगर एस 10 करोगे तो एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी 10, यानी कि लास्ट टर्म, तो एन कितना है 10 10 बाई 2, ए कितना है 14, और टी 10 कैसे निकालेंगे, टी 10 यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं, ए प्लस 9d, ठीक है, तो ये देखो 14 प्लस 9d, तो ये हो जाएगा 5 और 28 प्लस 9d, देखो यही आया था हम लोग का एस 10, ये देखो ए ये 5 बाहर था, 28 प्लस 9d, ये देखो 5 बाहर था, और ये नेगेटिव मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि हमें बोला था कि S5 और S10, देखो ये नेगेटिव तो बाद में लिखा ना, ये आंसर आ गया, अब पूरा सोल्यूशन ऐसे होगा, तो अगर लास्ट टर्म वाला करते हो तो भी ये सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा सेकंड स्टेप, और अगर ये फॉर्मूले से करते हो तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है, और अगर ये एल वाला फॉर्मूला लेके करते हो तो ऐसे करके कैलकुलेट कर लो S10 और S5, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें भी तुम लोग का सेम आंसर आएगा सॉल्व करने से। अब इसके बाद जस्ट सॉल्व करना पड़ेगा S5 इक्वल टू माइनस ऑफ S10 करके, तो इससे तुम लोग का आंसर आ जाएगा किसका, इससे आंसर आ जाएगा D का, ठीक है, और D आने के बाद फिर से T3 ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी पूरा स्टेप एज इट इज होगा। 22, अब देखते हैं 23 में क्या बोला है, 23 में बोला है कि The sum of a certain number of term of an AP series is 52, बोल रहा है कि एक एपी सीरीज है ये वाला, ठीक है, जिसका सम जो है वो है 52, ठीक है, ये इज 52 बोला है, द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, जो टर्म्स है वो एपी में है जो कि 52 है, मतलब ये 52 हमें एस एन का वैल्यू बता रहा है, द नंबर ऑफ टर्म, कितने सारे टर्म है, मतलब एन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो एस एन हमें पता है 52, तो यहाँ पर लिखते हैं 23, एस एन 52, ठीक है, अच्छा एस एन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एस एन के लिए अब देखो एस एन का हमारे पास ये फॉर्मूला है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब इस क्वेश्चन में ना वो एल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है कहां तक जा रहा है, ठीक है, तो इसमें यही फॉर्मूला मैंडेटरी है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 52 n/2 ही रहेगा, अच्छा a देखो -8 है, a -8 है, 2 इंटू -8 प्लस n -1 और d कैसे निकालेंगे, d हो जाएगा एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म है -6, ठीक है, उसका प्रीवियस टर्म है -8, यानी माइनस ऑफ -8 लिखना है, ये मत भूल जाओ, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो -6 माइनस माइनस में +8, यानी कि 2, d का वैल्यू 2 निकल के आया,
तो ये 2 हो जाएगा। अगर गलती से यहाँ माइनस नहीं लिखते हो, बाय चांस कुछ भी गलत कैलकुलेशन करते हो, तो फिर 2 नहीं आएगा, कुछ और वैल्यू आ जाएगा और उससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, एन बाय 2। अच्छा, अब ये बोला है 2 इंटू माइनस 8 यानी माइनस 16 प्लस 2n माइनस 2। अब देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है, 52 इक्वल टू एन बाय 2, 2n माइनस 18। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करके देखते कितना होगा। यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो 52 इक्वल टू एन बाय 2 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कॉमन भी ले सकते हो, तुम लोग चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इससे थोड़ा जल्दी होगा, ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, 52 इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 9, 52 इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 9। क्या हम लोग को इसको सॉल्व करना चाहिए? नहीं, ये तो स्क्वायर वगैरह आएगा, इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, ये सॉल्व करने से तो ऐसे आएगा ना, लेकिन इसको मिडिल टर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, हम ये बोल रहे हैं। इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन में है 12, 13, 11, तो यहाँ पर लिखते हैं 12, 13 और ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो पहले 12 से चेक करेंगे कि n का वैल्यू 12 पुट करने से 52 आता है कि नहीं। तो 12 का स्क्वायर माइनस n इंटू 12 चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर तो 144 होता है और 9 इंटू 12 कितना होगा, 108 और 144 तो ये आ रहा है 36, लेकिन हमारा तो 52 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए से मैच नहीं हो रहा है। ये हम लोग का आ रहा है 36, तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। बी से चेक करते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 13 देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर 13 इंटू 9 और 13 का स्क्वायर, वन सिक्सटी नाइन और वन वन सेवन तो कितना आएगा, ये 52 आएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, 11 से करके देख सकते हो, नहीं आएगा। 11 का स्क्वायर मतलब 121 और ये 99, माइनस करने से 52 नहीं होगा। चेक करके देख लो, 121 माइनस 99, देखो 52 नहीं 22 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन बी होना चाहिए। सी भी नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बी हो रहा है, तो नन ऑफ दिस क्यों दे। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। अच्छा, ऑप्शन बी और 24 देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर माइनस 4 और 146। तो फर्स्ट टर्म का मतलब ये वाला ए या फिर T1 या फिर S1, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे ट्रांसफर करेंगे। तो T1 या फिर A या फिर S1, ये क्वेश्चन में गिवन है माइनस 4, और जो लास्ट टर्म है वो तो नहीं पता कितना नंबर है, बोला नहीं है, तो लास्ट टर्म को TN बोल सकते हैं। लास्ट टर्म जो है 146 है। ठीक है, ये क्या है, ये है लास्ट टर्म जिसको हम लोग TN मान के चल रहे हैं। अच्छा, अब बोल रहा है कि सम ऑफ द टर्म इज 7171, ये सम जो है एपी सीरीज के जितने भी टर्म है वो बोल रहा है 7171 है, ऐसा बोला है। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म, कितने सारे टर्म्स है ये सीरीज में। तो देखो, Sn का मतलब अब हम लोग यही वाला कंफर्म फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है, इसे जल्दी होगा। ठीक है, n का मतलब कितना हो जाएगा, वो ही तो फाइंड आउट करना है, नहीं पता, Sn पता है इतना। ठीक है, a माइनस 4 l 146, अब इसको जस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 7171 n बाई 2 इन 2, ये हो गया 142। अब ये 2 से कैलकुलेट हो जाएगा 71, अब 71 इधर, ये 71 इंटू एन हो गया, तो n का मतलब 7171 बाई 71। अच्छा, अब डिवाइड करके देख लो, 101 होगा। ठीक है, 7171 डिवाइडेड बाई 71, 101 आ रहा है। ठीक है, तो 101 आया, ये n का वैल्यू हो गया। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं निकाल सकते थे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें देखो काफी टाइम लगेगा. क्यों काफी टाइम लगेगा? 7171 पता है, एन नहीं पता, वही निकालना पड़ेगा. ए पता है 2 × −4, एन नहीं पता. अब डी इसमें ना कैलकुलेट करना मैंडेटरी हो जाएगा. अब डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये टी एन, ये तो पता नहीं है ना कितना नंबर टर्म है, तो यहाँ डी कैलकुलेट करना एक क्वेश्चन मार्क होके आएगा. ठीक है, क्योंकि डी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता बिकॉज ए इतना है, ये कितना नंबर टर्म वो हमें नहीं पता. मतलब इसका ऐसे हो जाएगा ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट ए पता है लिख लेंगे −4, बट एन मिसिंग है और डी भी मिसिंग है. तो ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले से कभी नहीं हो सकता है, इस फॉर्मूले से. ठीक है, इससे एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर डी भी हमारा मिसिंग है और किसी भी तरीके से डी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग. तो इसका मतलब हम लोग को इसी में करना पड़ेगा और इससे जल्दी भी होगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसके बिना नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया 101. तो 101 यानी कि ऑप्शन ए. तो टोटल 101 टर्म्स का एडिशन है ये वाला. और लास्ट क्वेश्चन 25th बोल रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है जो सीरीज 17 टर्म्स तक गया है. अप टू 17 टर्म्स तक ये सीरीज गया है. मतलब ये सीरीज कैसे है? T1, T2 डॉट डॉट करके T17 तक है. हमें सम निकालने के लिए बोला है, यानी S17 निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग S17 निकालेंगे. अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. क्यों? देखो, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म का पता है, 17th नंबर टर्म लास्ट टर्म है. ये देखो 25th नंबर लिखते हैं, एस 17 हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो इसके लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला है, n/2 a प्लस l, ये भी एक ऑप्शन है, और s17 निकालने के लिए दूसरा एक ऑप्शन ये भी होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं. तो पहले हमें बोला है सीरीज दे दिया है 3½, 7, 10. सीरीज है 3½, 7, 10 ऐसे करके दिया है. 3½, 7, 10 and half, 14 और उसके बाद डॉट डॉट करके 17 टर्म्स तक जाएगा. ये 17 वैल्यू नहीं है, ये T17 तक चलेगा ये सीरीज. ठीक है, अच्छा अब हम लोग अगर 7 ये पूरे टर्म का एडिशन करेंगे तो ये हम लोग का ए हो गया. डी निकाल लेते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके. तो 7 माइनस ये 3½, इसको हम लोग 3.5 लिख सकते हैं आराम से. ठीक है, हाफ का मतलब 0.5 होता है. अगर तुम लोग इसको मतलब 3 × 2 = 6 + 1 7/2 करते हो तो भी एक ही बात है. ये देखो 7/2 करोगे ना तो भी तुम लोग का 3.5 ही निकल के आएगा. अब क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यू जो है देखो कैसे निकल के आ रहा है, इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि 3.5 डायरेक्ट निकल के आ रहा है. इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि 3.5 निकलने के बाद हमें पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है. ठीक है, जैसे इसके बाद होता है ना 0.5239 ऐसे, तब हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं. कैलकुलेशन करेंगे तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, मैचअप करने में मुश्किल होगा. तो बेटर ये है कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं. तो 3.5 इसमें लिख ही सकते हैं पॉइंट पे. अच्छा अब हम लोग इसको पुट करते हैं ये वाले पहले वाले फॉर्मूले से. 17 टर्म का एडिशन करना है तो एन पता है, ए सीरीज से दिख रहा है, ए है 3.5, एन 17 है और डी 3.5 है. देखो सब आंसर मिल गया, तो इससे भी जल्दी ही हो रहा है, ये वाले फॉर्मूले से भी जल्दी हो रहा है. तो 2 × 3.5 यानी कि 7 हो जाएगा, 16 × 3.5 देखते हैं कितना आता है. 16 × 3.5 चेक करते हैं कितना आता है, 56. ठीक है 56, 17/2 × 63 हो गए. अच्छा चेक करते हैं कितना आएगा, 17 × 63 / 2 535.5. अब देखते हैं पॉइंट में आंसर है भी कि नहीं. 535.5 मतलब ये देखो 535 एंड हाफ का मतलब ही 0.5, तो ऑप्शन सी हो जाएगा. और ये हाफ तुम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा अगर तुम लोग इसको पॉइंट में चेंज नहीं करके फ्रैक्शन में ही रख देते हो ना, तो डायरेक्टली मिल जाएगा. अच्छा ये तो मैंने ये वाले फॉर्मूले से बताया. क्या एल से भी निकल जाएगा? निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है T17. अगर ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो. ये देखो दोनों तरीके से दिखा देते हैं, n/2 × a + l. ठीक है, और यहाँ पर l हम लोग को पता है. ये देखो ये l कितना, 17/2, a पता है, a कितना है, a है हम लोग का 3.5. ये देखो 3.5 l का मतलब है यहाँ पर t17 कैसे निकालेंगे, a प्लस
17 माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो टी 17 यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी 17 कितना होगा, ए 3.5 है और ये हो जाएगा 16D, और D कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 3.5 है, D का वैल्यू 3.5 है, तो D लिख लेते हैं, यहाँ तो पता ही है ना, D तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, गिवन सीरीज से हम लोग D निकाल सकते हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो टी 17 कैलकुलेट हो जाएगा 16 × 3.5, अभी शायद कैलकुलेट किया था, 16 × 3.5 56 होता है, ठीक है, तो ये देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम लोग को फॉर्मूला एलाबोरेट करके बोला भी था ना, ये एल को ही तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है, ये लास्ट टर्म ही आ रहा है, ये फर्स्ट और ये लास्ट, देखो ये जो सोल्यूशन है ना इसको देखो, और जो अभी हम लोग कर रहे उसको देखो, ये है हम लोग का फर्स्ट टर्म, ये है हम लोग का लास्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया ना कि एल को कैसे लिखा जाता है, टी एन से सब्सटीट्यूट करके मैंने सॉल्व करके दिखाया था तुम लोग, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 59.5, तो यहाँ लिख लो 59.5, तो ये कितना हो गया 17/2 इंटू, ये हो जाएगा 59, 60, 61, 62 हो जाएगा, 17/2 63 होगा, अच्छा 63 होना चाहिए, चेक करते 3.5 + 59.5, हाँ 63 हो रहा है, अब 63 और 17/2 तो सेम आंसर आ जाएगा 535.5, ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं 535.5, और फ्रैक्शन में रखना चाहे तो भी हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम लोग का है जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है, जीपी और आज नहीं करते हैं, आज और स्टार्ट नहीं करते, वैसे ही आज स्टार्टिंग में बहुत सारा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, फिर जीपी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एपी हम लोग का कंप्लीट हो गया।